देखो अकस्मात ही आज मैं राजसमंद जा रहा था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक के स्लुम्बर थे उनके निधन पे शोक प्रकट करने के लिए मैं उनके गांव जाके आया और यहां से मैं राजसमंद निकल रहा था। निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि आज इस नगर निगम के दोनों हमारे विधायक शहर और ग्रामीण और महापौर उपमहापौर जी सब ने यहाँ पे एक अच्छा नवाचार और अच्छा एक पहल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सिटी बसें जाएगी, जिससे निश्चित रूप से आम वहाँ की जनता या शहर में मजदूरी करने आएगी तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई और बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह के नवाचार हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छे आप लोगों के प्रयास रहेंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। बजट आया है, आरटीओ के नियमों की बात की जा रही है, यहाँ पर अभी भी नंबर प्लेट की हाइब्रिड नहीं बनी हुई है और यहाँ पे बसों को चालू किया गया, आम जनता को बड़ा परेशान किया जा रहा है इस नाम से। ऐसा है तो मैं देख लूंगा अगर कोई ऐसी बात मेरे अगर संज्ञान में आती है। बजट अभी आया है, किस तरह से उसको धरातल पे लागू किया जाएगा? देखिए ये बजट जो आया है एक पूरे आम राजस्थान में और आम जनता में आम वर्गों में एक खुशी की लहर है कि ऐसा बजट आया है जिसमें सबको समाहित करते हुए और इस बजट में एक विजन दिया है माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कि विकसित भारत में विकसित राजस्थान का सपना साकार करने का जैसा बजट दिया है। निश्चित रूप से एक आम आवाम के लिए ये बजट है, इसमें हमारी पार्टी के ही नहीं अपितु दूसरी पार्टी के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी पहल और अच्छा प्रयास इस बजट में है, इसलिए मैं मानता हूं कि आने वाले भविष्य में विकसित राजस्थान बने। सर छात्र संघ चुनाव है? देखो पहले सबसे पहले मेरा जो विजन है वो अभी शिक्षा को अच्छी और क्वालिटी वाइज उसको दूं, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि कॉलेजों में अच्छे हमारे अध्यापक हों, प्रोफेसर लगे और वहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हो, इसका प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जब समय आएगा वो भी देखेंगे।